हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट आई आईआईटी टी जे नीट मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज आपकी बायोलॉजी और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं क्लास 12th नीट बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर के लिए आखिरी सेशन के साथ जहां हम डील करेंगे विद द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड द डेफिनेशंस ये मैं आखिरी सेशन बोल रही हूं थ्योरेटिकली नो डाउट

कोर्स जो है जो स्टडी मॉड्यूल है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यानी कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आप अपनी प्रिपरेशन एट जीरो कॉस्ट बिना एक पेनी खर्च किए क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन आई आई नीट के चैनल के थ्रू आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट आइए अब मैं आपको मिलवा देती हूँ कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या है उससे क्योंकि अगर आपको नीट का कोर्स मॉड्यूल ही नहीं पता है तो फिर हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो आइए जल्दी से देखते हैं नीट का कोर्स मॉड्यूल और फिर स्टार्ट करेंगे हम इस सेशन के साथ जहां हम इंपॉर्टेंट की वर्ड्स और डेफिनेशन देखेंगे इस चैप्टर की सो द नीट कोर्स मॉड्यूल हमारा नीट कोर्स मॉड्यूल जो है वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम फोकस करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस पर यानी कि आपके चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर एक एक करके एक एक टॉपिक का आपको सेशन मिलता है और उस सेशन में जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाता है उसी के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो एक लिंक मिलती है उस लिंक को आपको क्लिक करना है तो आप वहां से डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सो देन यू हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीडीएफ इसमें एनसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आपका जो आप टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं आपका रिविजन कराते हैं मोर ऑफ यू नो दट टॉपिक टू योर सेफ राइट देन वी हैव डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन वीडियो में इसी डी का आपको मिल जाता है सोल्यूशन तो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं देखो मुझे मालूम है कि हर बार एक बार आपने टॉपिक पढ़ा और सारे क्वेश्चन आपसे बन गए ऐसा नहीं होता आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं पर स्टक हो जाते हो अटक जाते हो तो उस चीज़ के लिए हम कैसे कोप अप करें हम डी को तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन गलत आ रहे हैं तो उसका आंसर आपको मिल जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन वीडियो से और मैं तो आपको बोलूंगी कि आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपको डीपीपी के जो सोल्यूशन है वो जरूर देखना चाहिए आप बहुत सारी चीजें उससे सीख जाते हो देन वी ऑल्सो हैव चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हर चैप्टर के एंड में ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं देन वी ऑल्सो हैव वन मोर सेशन जहां पर मैं आपको साइंटिस्ट की ईयर्स डिटेल मतलब चैप्टर में जितने भी साइंटिस्ट इंक्लूडेड है उनकी ईयर्स

प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं हर एक चैप्टर के लिए देन वी आल्सो हैव डाउट सॉल्विंग सेशन जहां पर आप मुझे डाउट भेजते हो मैं आपको उसका सॉल्यूशन देती हूं देन वी आल्सो हैव वीकली टेस्ट पेपर जो आप बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं एंड दी गाइडेंस सेशन गाइडेंस सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसंस वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसंस व्हिच कैन हेल्प यू बिल्ड हेल्प यू अचीव योर गोल तो ये जो गाइडेंस सेशन है इन्हें जरूर देखना है चाहे एनटीए का नोटिफिकेशन हो टाइम टेबल कैसे बनाना है पढ़ाई कैसी करनी है बैलेंस कैसे करना है स्कूल को और अपने uh, जो स्टडी मॉड्यूल को आप फॉलो कर रहे हो उसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं गाइडेंस सेशन में देन वी आल्सो हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन एज़ वेल एज़ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू फॉरगेट द एनसीईआरटी हाईलाइट समरी सेशन वेयर वी डिस्कस अबाउट दी एन सी आर टी व्हाट इज रिटन इन दी एनसीआर टी जो कुछ भी आपके एन सी आर टी बुक में दिया हुआ है हर चैप्टर पढ़ने के बाद हम एनसीआर टी से उसकी समरी रीड करते हैं यानी हम लाइन बाई लाइन एन सी आर टी को पढ़ के उसे भी रिवाइज कर लेते हैं एट दी एंड ऑफ एवरी चैप्टर सो दिस एंटायर थिंग इज आर नीट कोर्स मॉड्यूल उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं तो आइए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो सेशन में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की वर्ड एंड आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में साइंटिस्ट नहीं है ज्यादा तो हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हम इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आगे आने वाले फोर चैप्टर्स के लिए आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले चार चैप्टर्स के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं यानी कि ये जो टर्म्स हैं इस बेसिस पर आप बिल्ड करते हो अपने आगे के चार चैप्टर फॉर क्लास ट्वेल्थ नीट बायोलॉजी तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं इनको आज मैं इस सेशन में आपको समझाने वाली हूं ऑल हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो चीजें आपको बहुत फेमिलियर लगेंगी लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपके पास एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट की हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप यूज करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन तो आइए सब सबसे पहला हमारे पास क्या है हम वो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास लिखा है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम ये कहें कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी फ्यूजन ऑफ गेमेट अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो तो हम उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और अगर फीमेल बॉडी के बाहर हो तो हम उसे क्या कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है किसके साथ एक्सोगेमी और एंडोगेमी के साथ ठीक है एक्सोगेमी और एंडोगेमी दोनों अलग है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अलग है और मैंने आपको अभी बताया इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्यूजिंग गेमीज बिलोंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑल्सो नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज पर कंफ्यूज करते हैं उन्हें लगता है कि इंटरनल बॉक्स ओवर हियर है ना हम एक बॉक्स पुट अप कर लेते हैं यहां पे और फिर हम डिफाइन करते हैं सो दिस इज द बॉक्स पहला हम क्या बोल रहे हैं आप internal और external fertilization को confuse मत करिएगा किसके साथ एक्सोगेमी और एंडोगेमी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्सोगेमी और endogamy इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर सेम थिंग बट इट इज नॉट why आई टेल यू अगर मैं बोलूँ कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है If internal fertilization takes place, what happens in internal fertilization? What happens in internal fertilization is what happens is yahan par, internal fertilization, mein, fusion of gametes takes place inside the body of the female. So fusion of gametes take place. इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल ठीक है फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर फ्यूजन ऑफ गेमिट हुआ तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड वॉट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है फ्यूजन ऑफ गैमेट आउटसाइड बॉडी ऑफ फीमेल जैसे फ्रॉग में पानी के अंदर होता था फ्यूजन पानी के अंदर क्या होता था मेल और फीमेल फ्रॉग uh, जो है वो दोनों अपने गैमी डिपॉजिट कर देते थे वाटर में वहीं पे वो फ्यूज हो जाते थे सो दैट सो फ्यूजन ऑफ गैमिट्स टेक प्लेस वेयर आउटसाइड दी बॉडी ऑफ फीमेल बात समझ में आ गई? ये दोनों बातें हैं अब आप इसे कंफ्यूज नहीं कर सकते कि आप बोल दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंडोगेमी है आप बोल दो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सोगेमी है नो 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 नॉट दिस ऐसी गलती नहीं करना देखो एक्सोगेमी क्या होता है एक्सोगेमी इज टू फ्यूजिंग एम बिलोंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल दो अलग अलग इंडिविजुअल है फॉर एग्जाम्पल हम सबसे दुनिया का सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेते हैं पॉरीफेरा ठीक है पॉरीफेरा में क्या होता है पोर बियरिंग एनिमल होता था तो पॉरीफेरा में क्या होता है एक पॉरीफेरा ये है ठीक है और एक पॉरीफेरा ये है और अगर मैंने इसकी बॉडी में अभी पोर नहीं बनाया तो ये इस पॉरीफेरा के साथ बहुत जाती हो जाएगी बहुत गलत हो जाएगा क्यों भाई उसका बॉडी फॉर्म है अगर आप ह्यूमन बींग बनाओ और हाथ पैर ना बनाओ तो चलेगा क्या तो ये इसका बॉडी फॉर्म है कि इसके पास प्रेजेंट है पोर्स दीज आर दी पोर्स ठीक है ऑल राइट right. अब क्या होगा इसके पास गेमिट प्रेजेंट है तो ये इसके फीमेल गेमिट और ये इसके फीमेल गेमिट अच्छा जो एग्जाम्पल लिया है मैंने पॉरीफेरा कैसा होता है हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल और फीमेल क्या होता है कैनाल सिस्टम रिवाइज हो गया तो कैनाल सिस्टम के थ्रू पॉरीफेरा की बॉडी में स्पर्म निकलकर बाहर आ जाएगा पानी में ठीक है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा ऑल राइट ओके अब क्या होगा दी स्पर्म्स आर गोइंग टू कम आउट ऑफ बॉडी ये स्पर्म्स बॉडी से बाहर आ गए ये स्पर्म्स बॉडी से बाहर आ गए बाहर आ गए लो अब क्या करेंगे दूसरे पॉरीफेरा की बॉडी में जाएंगे दिस इज पॉरीफेरा वन And this is Porifera 2. दूसरे क्या करेंगे इस वाले के स्पम्स यहां से निकलेंगे और इसकी बॉडी में जाकर के फ्यूज हो जाएंगे तो देखो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में मेल गेमिट भी है फीमेल गेमिट भी है मेल गेमिट भी है फीमेल गेमिट भी है पर खुद में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा अगर ये आपस के अगर ये दोनों इसकी बॉडी में रहते रहते फर्टिलाइजेशन कर लें तो वो कहलाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मिले तो वो क्या कहलाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन दैट इज एक्सोगेमी टू गैमीट्स बिलोंग टू डिफरेंट इंडिविजुअल टू फ्यूजिंग गैमीट जो अलग अलग इंडिविजुअल को बिलोंग करे दैट इज एक्सोगेमी सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ठीक है नोन एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन को बोल सकते हो कि इट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एक्सोगेमी और एक्सोगेमी। बात समझ में आ गई ठीक है एंडोगेमी क्या होता है इसका ऑपोजिट यानी टू फ्यूजिंग बिलोंग टू सेम इंडिविजुअल एक ही इंडिविजुअल के फ्यूजिंग एक ही इंडिविजुअल के फ्यूजिंग एमीट है यानी एक इंडिविजुअल जिसके पास क्या है मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी है वो अपनी ही बॉडी में फर्टिलाइजेशन कर ले तो वो कहलाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज एंडोगेमी बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई चार टर्म्स आपने यहां पर सीख लिए हैं और वो टर्म्स क्या क्या है पहला है इंटरनल <coughs> फर्टिलाइजेशन ठीक है दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तीसरा एक्सोगेमी एंड द फोर्थ वन इज एंडोगेमी और सभी में फ्यूजन ऑफ गेमिट होगा ठीक है कॉमन चीज क्या है सब में कि सभी में फ्यूजन ऑफ गेमिट होगा तो यहां पर भी फ्यूजन ऑफ गेमिट इज व्हाट फर्टिलाइजेशन ना तो मैं बस एक चीज लिख देती हूं कि इन सभी में फ्यूजन ऑफ गेमिट होगा ठीक है पर किसमें कैसा होगा वो देखो किसमें कैसा फ्यूजन ऑफ गेमिट होगा इसका अलग देखेंगे इसका अलग देखेंगे ठीक है फिर एक्सोगेमी का अलग देखेंगे एंडोगेमी का अलग देखेंगे अब देखो किसमें क्या होगा समझो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ कहां पर हुआ फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड फीमेल बॉडी एज सिंपल एज दैट इससे सिंप्लीफाई करके कोई नहीं बता सकता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ वेयर आउटसाइड फीमेल बॉडी ठीक है एक्सोगेमी में भी फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ किसके बीच में दो अलग इंडिविजुअल के बीच में यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन और एंडोगेमी में भी फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ एक ही इंडिविजुअल के गैमेट्स आपस में मिल गए सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल राइट नोट करो इसको नोट इट डाउन डन इतनी बात समझ में आ गई वेरी गुड आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हो right. मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया ठीक है ऑल राइट वेरी गुड नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आ जाओ पहला रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है और जो ऑर्गेनिज्म जन्म दे रहा है जन्म लेने वाला ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा ही दिखेगा तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू तो यंग वन सिमिलर टू तो इटसेल्फ एक इंडिविजुअल ने बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना हाँ बायोलॉजिकल है हा, केमिकल नहीं है फिजिकल नहीं है बायोलॉजिकल है इट इज इन्वॉल्विंग लाइफ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म ने अपने यंग वन को जन्म दिया एक एक ऑर्गेनिज्म ने अपने यंग वन को अपने बेबी को जन्म दिया और वो कैसा दिखना चाहिए सिमिलर टू इट्स अपने खुद के पेरेंट जैसा ही दिखेगा अब डॉग का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पपी ही होगा Cat ही होगा ह्यूमन बींगी को बर्थ देंगे तो मतलब क्या है सब अपने अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को ही बर्थ दे रहे हैंट से डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है ए सेक्शुअल रिपोडक्शन बताओ भैया फटाफट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट गेम इमेशन ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी डेफिनेशन में मिस नहीं होनी चाहिए वो दो वर्ड है कौन कौन से वर्ड है देखो डेफिनेशन पढ़ने का ना तरीका ये होता है जब आपको डेफिनेशन याद करनी हो तो उसमें से बीच में से ग्रामर हटा दो द ऑफ ये सब हटा दो इंपॉर्टेंट की उठाओ जोड़ना चालू करो की क्या है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ ऑफ क्या बनने वाला है ऑफस्प्रिंग बनने वाला है किससे बनने वाला है सिंगल पेरेंट से बनने वाला है एक ही पेरेंट ऑफस्प्रिंग बनाएगा विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन अब गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता ये इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स है बात समझ में आ गई एक इंडिविजुअल एक ही पेरेंट होके किसी को जन्म दे दे गैमीट के बिना या गैमीट के साथ सो दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोट करो फटाफट से second, ये हो गई दो डेफिनेशन हमारी कर ली नोट वेरी गुड ऑल राइट आगे बढ़ते हैं क्लोन क्या होता है भाई भाई क्लोन आप समझ लो एक इंडिविजुअल के जैसा ही दिखने वाला दूसरा इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली मैंने कहा ना दिखने वाला मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली होता है एक्सटर्नली एक्सटर्नली बाहर से दिखने में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दिखने के साथ साथ जेनेटिकली जेनेटिकली भी भी यानी उसकी सेल्स के जो जीन्स वो सेम है है ठीक सो सिमिलर इंडिविजुअल हो तो उसे हम कहते हैं क्लोन दिखने में भी एक जैसा अंदर से भी एक जैसा तो वो है क्लोन किसके जैसा किसके जैसा दिखने में और अंदर से किसके जैसा देखो अगर मेरा क्लोन बनाना है तो मेरा एक लो यहां से क्लोन बनाने का प्रो, प्रोसेस चालू करो क्लोन जब बनेगा तो वो दिखने में भी मेरे जैसा होगा और उसके जीन्स भी मेरे जैसे होंगे दैट इज क्लोन एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है तो उस दौरान दोनों इंडिविजुअल दिखने में और जेनेटिकली सेम है तो वो क्लोन है ठीक है नेक्स्ट आ जाओ जूसपोर क्या होता है अब भाई आधी जिंदगी निकल जाती है मैंने देखा है ट्वेल्थ क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आधी जिंदगी निकल जाती है पर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जूसपोर क्या होता है ठीक है तो जूसपोर समझो मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस इन साइड स्पोरजिया स्पोरजिया इज नाथिंग बट अ बैग एक बैग है ऐसा भी नहीं है एक बैग है इस बैग के अंदर स्पोर्स बने स्पोर्स आर यूनिसेल्यूलर लाइट बॉडीज, छोटी छोटी एक सेल की उड़ने वाली हवा में एक बॉडी होती है और वो मोटाइल हो अगर मोटाइल मतलब उसके पास चलने का कोई स्ट्रक्चर होगा जैसे फ्लैजिला होगा तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर हो ठीक है ऐसा मान लो स्पोर है तो इसके अंदर ये तो है स्पोरजिया ये क्या है स्पोरांजिया अब आप पूछ सकते हो मैडम स्पोरांजिया क्या होता है बैग लाइक -like स्ट्रक्चर होता है स्पोरांजिया इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच दी स्पोर्स आर केप्ट तो इसके अंदर स्पोर्स हैं एक्चुअली ये स्पर्म जैसा दिख रहा है ये स्पोर है मैंने ऐसा क्यों बनाया है मैंने बनाया है कि भाई ये वो लाइट बॉडी है और इसके पास एक फ्लैजेल है तो ऐसे अगर स्पोर्स हैं तो उन्हें हम कहते हैं ज़ूस्पोर सो मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर so, motile, है क्ल स्पोर है, है ये भी याद रखना प्रोड्यूस्ड इन साइड उन्हें हम कहते हैं जूस्पोर। स्पोर नोट करो फटाफट से डन ऑल राइट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज कोनीडिया। वही है आधी जिंदगी निकल रही है कोनीडिया नहीं मालूम बायोलॉजी के स्टूडेंट को कोनीडिया क्या होता है कोनीडिया होता है हमेशा नॉन मोटाइल हमेशा कैसा होता है नॉन मोटाइल प्रोड्यूस्ड ओवर कोनीडियोफोर प्रोड्यूस्ड ओवर देखो ये जो इमेज है ना यही है कोनीडिया इसमें अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो ये ऐसी इमेज है ये 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 यहां से ये यह स्पोर्स बनाएंगे ये स्पोर्स बना रहे हैं एक्चुअली स्पोर्स नहीं ये कोनीडिया बना रहे हैं सो दिस स्ट्रक्चर इज कोडिया और जिस स्ट्रक्चर से कोनीडिया बनता है वो क्या कहलाते हैं कोनीडियो वो क्या कहलाते हैं कोनीडियो फोर नॉन मोटाइल एसेक्शुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड ओवर कोनीडियो फोर इज कोनीडिया ऑल राइट गुड बाइनरी फिजन पे आओ बाइनरी फिजन क्या होता है बाय का मतलब होता है दो जब दो सेल्स तो एक सेल्स दो सेल में टूट जाए हो जाए, तो ये हुआ, एक सेल है, दो हाफ में कर गया, फ्यूज और दोनों हाफ क्या कर गए नए इंडिविजुअल में ग्रो हो गए इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चलो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या होते वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स क्या है यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केपेबल ऑफ गिविंग यूज गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल इसमें क्या होगा वेजिटेटिव पार्ट है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मतलब मान लो ब्राइफिलम की लीफ है ठीक है लीफ से लीफ के मार्जिन में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहां से नया प्लांट ग्रो होने की क्षमता रखता है सो व्हाट इज दैट सेल

ठीक है तो देखो प्रोसेस इनवॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ टू पेरेंट्स फ्रॉम गेमेटिक फ्यूजन दो पेरेंट्स के गैमेट के फ्यूज होने की वजह से दो अलग-अलग पेरेंट्स -अलग के गैमेट्स अगर फ्यूज हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं गेमेटिक फ्यूजन हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया नेक्स्ट है ज्यूवेनाइल फेज Phase क्या होता है? जन्म लेने से रिप्रोडक्शन वाली एज तक पहुंचने का जो टाइम होता है, उसको कहते है so, जब तक ऐसी ना आ जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं उस समय तक का जो समय होता है वो जुबेनाइल फेज कहलाता है ऑल राइट नोटेड डाउन डन ओके नेक्स्ट इज

<coughs> तो गेमिटोजेनेसिस में यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स बनेंगे चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो सो so, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेल एंड फीमेल वो जिस तरीके से बनेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैं आगे बढ़ते कोमोगेमीट्स होमो का मतलब क्या होता है होमो का मतलब होता है सेम दूसरा वर्ड है, है ही समझा देती हूं होमो का मतलब सेम हेटरो का मतलब डिफरेंट ठीक है होमो का मतलब होता है सेम ठीक है और हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट क्या डिफरेंट और क्या सेम अगर गैमीट ठीक है अगर गैमीट दिखने में यानी कि मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं दो ये देखो ये दो गैमीट्स हैं ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे होमोगेमीट अगर यही मैं बना दू इस टाइप का कि ये एक गैमीट है और दूसरा गैमीट ऐसा है तो ये दोनों हो गए अलग अलग टाइप के गेमिट तो ये क्या कहला जाएंगे ये कहला जाएंगे हेटरोगेमिट्स ये कहला जाएंगे हेटरोगेमिट ठीक है नोट करो इसको अच्छा हेट्रोगेमिट की डेफिनेशन भी मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गेमिट इज हेट्रोगेमिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप ऑफ गेमिट इज व्हाट इट इज होमोगेमिट ऑलराइट नोट इट डाउन डन वेरी गुड आगे चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज एंथ्रोज़ॉइड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आखरी तक वही कंफ्यूज रहते हैं एंथ्रोज़ॉइड क्या होता है मैम एंथ्रोज़ॉइड होता है मेल गैमेट जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। एंथ्रोज़ॉइड इज नथिंग बट अ मेल गैमेट अगर आपको कहीं किसी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एंथ्रोज़ॉइड लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द मेल गैमेट दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पर्म ऑलराइट नेक्स्ट इज एग

यूनिसेक्सुअल और तो याद हो जाता है हमको मोनो mono, मोनोएशियस और डायोशियस याद नहीं होता मोनोएशियस क्या है अगर मेल और फीमेल फ्लॉर्म है body, तो हम उसे बोलेंगे मोनोएशियस एक ही प्लांट बॉडी में मेल भी स्ट्रक्चर है फीमेल स्ट्रक्चर भी है तो वो मोनोएशियस है तो यहां पर मैडम मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोनो क्यों बोल रहे हैं फिर तो डायोशियस होना चाहिए मोनो बोल रहे हैं बॉडी के लिए मोनो मतलब वन वन एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में दो चीजें प्रेजेंट है तो मोनो एशियस दो अलग अलग इंडिविजुअल की है, तो उसे अब ये कभी नहीं होना चाहिए। एक याद रखो दूसरा अपने आप याद रहेगा ठीक नेक्स्ट इज डायोशियस मेल एंड फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट बॉडी अलग अलग प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है आगे बढ़ो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज अ फ्लावर हैविंग मेल और फीमेल पार्ट या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है दोनों में से कोई सा भी हो सकता है ठीक है नेक्स्ट इज स्टेमिनेट फ्लावर ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेमिनेट फ्लार स्टेमिनेट फ्लार का मतलब क्या होता है Unisexual male flower. अगर अगर है है तो 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 उसे उसे बोलेंगे, बोलेंगे, वाला, वाला, और तो ये दोनों भी हमने पढ़ लिए, फटाफट से इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं नोटेड डाउन डन ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज बायसेक् फ्लावर बायसेक् फ्लावर का मतलब तो देखो सबको पता है फीमेल है तो मेल वाला यानी कि इसमें स्टेमन भी प्रेजेंट है ठीक है और इसमें फीमेल वाला पार्ट यानी कि पिस्टल भी प्रेजेंट है तो हम ऐसे फ्लार को क्या बोलेंगे इट इज अक्शुअल फ्लार आगे बढ़ो होमोथेलिक होमोथेलिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी होमोथेलिक का मतलब होता है टू फ्यूजिंग गैमेट बिलोंगिंग टू सेम पेरेंट एक ही पेरेंट के गेमीट्स आपस में फ्यूज कर जाए तो दैट इज होमोथेलिक ठीक है अब यहां पर अगर मैं कहूं होमोथेलिक में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो बढ़िया समझ आ गया जिस ऑर्गेनिज्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा वही होमोथेलिक है आगे चलो हेटरोथेलिक मतलब टू फ्यूजिंग गैमेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट पेरेंट दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमेट जब फ्यूज हो यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब होगा तो वो पेरेंट्स क्या कहलाएंगे हेटरोथेलिक ठीक है आगे बढ़ो मियोसाइट्स मियोसाइट्स का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड सेल जो मियोसिस कर सकें ऐसे सेल जिनके पास कैपेबिलिटी है टू अंडरगो मियोसिस और मियोसिस क्या होता है रिडक्शनल सेल डिवीजन जहां पर क्रोमोसोम नंबर हो जाता है कम सो इट इज रिडक्शनल सेल डिवीजन।

पोलन ग्रेन आके बना गिरा अब ये पोलन ट्यूब बनाएगा आगे जाकर ये बनाएगा पोलन ट्यूब आगे जाकर और फिर ओवरी के अंदर चला जाएगा फर्टिलाइजेशन करेगा सो दिस प्रोसेस This process is nothing but fertilization. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन बोल रही हूं मैं सॉरी इस प्रोसेस को हम कहते हैं

एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन साइडी हुआ तो इंटरनल फर्टी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए शुरू में ही है मैंने। ठीक है आगे हैं। Next is embryogenesis. हाँ, अब ये नहीं मालूम होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को वॉट इज एम्ब्रिय मैम एम्ब्रियोजेस होता है एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियो का बनना सो गिटिक्यूजनि पड़ गई प्रोसेस ऑफल था हालांकि यह मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं ठीक है ओवम और ये था स्प जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन इन्होंने किया फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद पहला स्टेप जो बनता है वो क्या होता है दे फॉर्म जाइगोट आगे जाइगोट के अंदर क्लीवेज चलता है जाइगोट के अंदर क्लीवेज चलता है टाइप ऑफ प्रोसेस जहां पर स्प्लिटिंग ऑफ सेल से नए सेल्स बनते हो है ना तो जाइगोट के बाद टू सेल्स बने देखो जाइगोट क्या है दो सेल्स का स्टेज है

और ये जो प्रोसेस है ना ये जो प्रोसेस है ना जाइगोट से एम्ब्रियो बने की बनने की ये कहलाती है एम्ब्रियो जेनेसिस क्या कहलाती है एम्ब्रियो जेनेसिस राइट तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो जेनेसिस सबको समझ आ गया आगे देखो नेक्स्ट इज एम्ब्रियो क्या होता है प्रोजेनिटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एम्ब्रियो इज टर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन अगर आप देखो तो एक एम्ब्रियो ही होता है अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक एम्ब्रियो ही होता है जो पेरेंट जनरेशन और कमिंग जनरेशन के बीच का एक वो स्टेप है कनेक्टिंग लिंक है ठीक है अगर ये जायोट बन गया और जायोट से एम्ब्रियो नहीं बना एक्चुअली प्रोसेस ऐसी होती है कि पहले बनता है जाइगोट पहले बनता है zygote. Zygote से बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनता है ऑफ स्प्रिंग ठीक है तो अगर एम्ब्रियो नहीं बना तो ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगा ना दिस इज दी प्रोजेनेटर ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इसी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है ठीक है देखो प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन समझ आया आगे बढ़ो सीड क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल इस पर एक क्वेश्चन है ये पीवाई क्यू भी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको इस पर क्वेश्चन दिया भी हुआ है आपका जो मैंने डीपीपी दिया उसमें और उसमें क्वेश्चन था कि सीड को हम प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं क्योंकि सीड बनता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ इसीलिए उसे क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल ओव्यूल से बनता है सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको यह समझाया था एक बार फ्यूजन ऑफ गेमिट फ्लावर के अंदर हो जाता है तो उसके बाद जो ओवरी होती है ठीक है फ्लार के अंदर स्टाइल ओवरी ओवरी जो है वो बदल जाती है फ्रूट में ओवरी की बाहर की जो वॉल है वो बदल जाती है फ्रूट की वॉल में और बीच का बचा हुआ ओव्यूल बदल जाता है सीड में तो इट इज फॉर्म फ्रॉम दी ओव्यूल ठीक है अब ओव्यूल और ओवम में किसी को कोई डिफरेंस मतलब किसी को कोई गलत फैमी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नेक्स्ट इज पेरिकार्प क्या होता है फ्रूट वॉल डेवलप्ड फ्रॉम वॉल ऑफ ओवरी अभी मैंने बताया सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज

यहाँ पर होता है सेंट्रल सेल दो न्यूक्लियस के साथ ये तीन सेल और यहाँ पर दो सिनर्जिड हो जाते हैं और एक एग सेल हो जाता है पोलन आकर यहाँ पर दो बार फ्यूज करता है एक बार एग के साथ फ्यूज करता है एक बार सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करता है ये हो गया फ्यूजन व्यूजन सब हो गया यानी कि यहाँ पर हो गया फर्टिलाइजेशन अब बताओ फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा भाई जिस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं वो तो झड़ जाएगा गिर जाएगा हो जाएगा और जिस स्ट्रक्चर की जरूरत है वो है आपकी ओवरी और आपका ओव्यूल तो ओवरी जो है ओवरी जो है वो बन जाती है फ्रूट ठीक है और ये तो फर्टिलाइजेशन तक का स्ट्रक्चर था है फिर ना फिर भैया कंफ्यूज नहीं होना आप है ना मैं लिख देती हूं, हैडिंग में पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो होगा वो लिख रही हूं है ना सो होगा ये कि जो ओवरी है वो बन जाती है फ्रूट ठीक है ओवरी वॉल जो है वो बन जाती है फ्रूट की वॉल वो बन जाती है फ्रूट की वॉल और इसके बाद जो है, है वो बन जाता है, सीड, ठीक है तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है और फर्टिलाइजेशन तक की कहानी ये है और ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस हमने सीखा था बात समझ में आ गई लिखना चाहते हो लिख के रख सकते हो हालांकि मैंने सेशन में सब कुछ लिखाया है ठीक है तो पेरिकार्प समझ में आ गया पेरिकार्प ही होता है फ्रूट की वॉल ठीक है जो किससे बनी है ओवरी की वॉल से बनी है ऑल राइट ओके सो यर हमने यहां पर इस सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट की वर्ड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कर ली है कंप्लीट ऑलराइट राइट अगर आपको ये सारे जो चैप्टर है इसके सेशंस को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करिए www.magnetbrains.com सर्च uh, बार में टाइप करिए तो इस तरीके से हमारा मैग्नेट ब्रिंग्स का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का और जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो स्क्रॉल करने से आपको ऐसे पूरे जो कोर्सेज हैं वो दिखने लगेंगे इसमें से आप अपना कोर्स सेलेक्ट करो नीट नीट पर क्लिक करो तो आपके नीट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स इन सब के आपको दिखने लगेंगे। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए सपोज आपको क्लास इलेवेंथ नीट यूजी बायोलॉजी के पेपर सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं या फिर सेशन अटेंड करने हैं, फटाफट से एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो यहाँ पर वॉच ना करो और, और अगर क्लास ट्वेल्थ नीट बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो यहां पर वॉच नाउ क्लिक करो जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेज ओपन होगा और इस डिस्क्रिप्टिव पेज में आपको ऑप्शन दिखेगा वॉच ऑल वीडियोस का यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है आपके क्लास ट्वेल्थ नीट यू बायोलॉजी का और

तो सेशन आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा आप यहां पर स्पीड अप करके भी सेशन देख सकते हो। अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आपकी सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी और आपका टाइम भी कम यूज होगा ऑल्सो यहीं पर आपको ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट वीडियो का इस पे पर क्लिक करोगे यहीं से नेक्स्ट वीडियो पर स्विच कर सकते हो और इस तरीके से अपने सारे सेशन रिवाइज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रिंग्स आई आई टी जी नीट के चैनल पर जहां ये सारी चीजें चाहे वो डीपीपी हो DPP का पीपीशन हो प्रसर हो, हो सारी चीजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपको हंड्रेड परसेंट फ्री है कुछ पे नहीं करना है छोटी सी चीज कर देनी है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके कि आपके चैनल पर आपके लिए आज कौन सा सेशन अपडेट हुआ है और आपका कोई बैकलॉग क्रिएट ना हो आप बहुत अच्छी धुआंधार तैयारी कर सके और अगर आपको सेशन पसंद आ गया है तो मेरे लिए लाइक जरूर कर देना ठीक है फॉर माई अप्रिसन और डू शेयर इट आपको अपने वर्चुअल ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासरूम वाले जो ग्रुप्स हैं उनमें अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर करना है इस सेशन को ठीक है और बहुत जोरदार दिल लगा के पढ़ाई करनी है मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड कीप स्टिंग